दोस्तों किसी भी YouTube क्रिएटर के लिए उसके शुरुआत के 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप अपने चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होता, और जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक आप YouTube से पैसे नहीं कमा सकते। तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बस एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आप इस एक ट्रिक को फॉलो करते हो तो आप काफ़ी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। उससे पहले दोस्तों चलिए हम अपने लास्ट वीडियो से एक कमेंट को पिक करते हैं और उनके चैनल को प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे चैनल प्रमोशन का जो विनर है उनके चैनल का नाम है लेडी बॉस, तो उसके चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जाके जरूर से सपोर्ट करना, और अगर आप भी मुझसे अपना चैनल प्रमोशन करवाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और नीचे एक कमेंट कर देना होगा। उसके बाद मैं आपके कमेंट को पिक करके अपने नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके वीडियो का लिंक लगा दूंगा। और अगर आप अपना वीडियो मुझसे मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करवाना चाहते हो तो आगे वीडियो में आप लोगों को एक प्रमोशन कोड मिल जाएगा, तो उस प्रमोशन कोड का स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज देना और साथ में अपने वीडियो का लिंक भेज देना। उसके बाद मैं आपके वीडियो को अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। तो चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलता हूँ और वहाँ पर आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, तो चलिए मैं अपने वाटर स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों अभी मेरा टेक चैनल ओपन है, तो चलिए मैं अपने वीडियो को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने मोस्ट पॉपुलर वीडियो को ओपन कर लिया है, आप मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो की टॉपिक है जिसकी कॉल आएगी उसका फोटो स्क्रीन पर कैसे लगाएं, और आप इस वीडियो का व्यूज़ देखो, इस वीडियो का व्यू है 8,45,000। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने आज से 2 साल पहले बनाया था, वीडियो बनाने के बाद मेरा वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगा और आज इस वीडियो में 8,45,000 व्यू आ चुके हैं। फिर कुछ टाइम बाद मैंने क्या किया, इसी टॉपिक पे मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया जो कि आप सेकेंड नंबर का वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो मैंने आज से 1 साल पहले बनाया था और आप इसके व्यू को देखो, इस वीडियो में 1,91,000 व्यू है। और अगर आप इस वीडियो का टॉपिक देखो तो इस वीडियो का टॉपिक भी सेम है, दोनों वीडियो की टॉपिक सेम है। और अगर आप मेरे इस चैनल में देखते हो तो इससे रिलेटेड मेरे हर वीडियो में अच्छे व्यूज़ है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपने दूसरे चैनल को ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस चैनल को ओपन कर लिया है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपने वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको अपने मोस्ट पॉपुलर वीडियो को दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें मोस्ट पॉपुलर वीडियो को देख सकते हो, एक वीडियो है सॉरी व्हाट्सएप स्टेटस, और इस वीडियो की व्यू देखो, इस वीडियो में 2 मिलियन व्यू है यानी कि 20 लाख व्यू। और सेकेंड नंबर का वीडियो आप देखो, इस वीडियो में 1.5 मिलियन व्यू है यानी कि 15 लाख व्यू। और अगर आप दोनों वीडियो की टॉपिक को देखते हो तो दोनों वीडियो की टॉपिक सेम है, दोनों एक सॉरी व्हाट्सएप स्टेटस है। और अगर मैं आपको दोनों वीडियो की टाइटल को दिखाऊं, तो चलिए मैं पहले वाले वीडियो पर क्लिक करता हूँ, तो आप इस वीडियो के टाइटल को देख लो मैंने इस वीडियो के टाइटल में क्या लिखा है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब दूसरे वीडियो का टाइटल दिखाता हूँ, तो आप इस वीडियो का टाइटल देखो, दोनों वीडियो का टाइटल सेम है और दोनों ही वीडियो में मिलियन में व्यूज़ है। और अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक और स्टेटस है, सॉरी बाबू व्हाट्सएप स्टेटस, और इस वीडियो की व्यू को देखो, इस वीडियो में व्यू है 2,55,000। और मैं अगर थोड़ा सा और नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप एक और स्टेटस देख सकते हो, यह भी एक सॉरी व्हाट्सएप स्टेटस है, और इस वीडियो की व्यू देखो, इस वीडियो में 38,000 व्यू है। और अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे एक देख सकते हो, एक और व्हाट्सएप स्टेटस है, सॉरी व्हाट्सएप स्टेटस, जिसमें 28,000 व्यू है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इस व्हाट्सएप स्टेटस को बनाया था जिसमें 28,000 व्यू है, तो ये वीडियो मेरा धीरे धीरे से वायरल हो रहा था। मेरे इस वीडियो में 15-20,000 व्यू आ चुके थे, जब मेरे वीडियो में 15-20,000 व्यू आ गया तो मैंने सोचा कि मुझे इसी टॉपिक पे और वीडियो बनाना चाहिए, और मैंने दूसरे नंबर वाला वीडियो को बनाया था जिसमें अभी 15 लाख व्यू है। और जब ये वीडियो मेरा वायरल होने लगा और सिर्फ 1 महीने में ही 1 लाख व्यू आ गया, तो मैंने इसी टॉपिक पे एक और वीडियो बना दिया जो कि आप मेरा सबसे पॉपुलर वीडियो देख सकते हो, 2 मिलियन व्यू वाला। तो मेरा ये वाला वीडियो भी वायरल हो गया, और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पहले वाले वीडियो से मेरा दूसरा वाला वीडियो ज़्यादा वायरल हो गया, और पहले वाले वीडियो में जितना व्यूज थे उससे ज़्यादा व्यू दूसरे वाले वीडियो में आ गया और मोस्ट पॉपुलर नंबर 1 पे आ गया। और जब भी मैं सॉरी व्हाट्सएप स्टेटस बनाता हूँ तो मेरे हर वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने दोनों YouTube चैनल को ओपन किया और आपको दोनों YouTube चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो को दिखाया। और अगर आप ध्यान से देखे हो तो दोनों चैनल में आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिला होगा, मेरा मोस्ट पॉपुलर नंबर 1 वीडियो और मोस्ट पॉपुलर नंबर 2 वीडियो, दोनों का टॉपिक सेम था और दोनों वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे। और दोस्तों अगर मैं अपने स्टेटस चैनल की बात करूँ तो मेरे सॉरी व्हाट्सएप स्टेटस में 2 मिलियन व्यू थे और सेकेंड नंबर में 1.5 मिलियन व्यू थे। तो दोस्तों ये वीडियो आखिर वायरल कैसे हुआ,
चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हो तो आप अपने वीडियो को आसानी से वायरल कर सकते हो। तो दोस्तों आज से 2 साल पहले मैंने एक सॉरी व्हाट्सएप स्टेटस बनाया था, तो मेरे वीडियो में अच्छा व्यूज आने लगा। मेरे वीडियो में 15 से 20 हज़ार व्यू आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पर एक और वीडियो बनाना चाहिए। फिर मैंने एक और सॉरी स्टेटस बनाया, तो मेरे उस वीडियो में 1 मंथ में 1 लाख से ज़्यादा व्यू आ चुके थे। तो फिर से मैंने एक और सॉरी स्टेटस बनाया, तो मेरा नया वाला सॉरी स्टेटस भी वायरल हो गया। और अभी जो मोस्ट पॉपुलर नंबर 1 वीडियो है उसको मैंने सबसे लास्ट में बनाया था और उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल में जाना होगा और आपको अपने वीडियो को देखना होगा कि आपके कौन से वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ है, और आपकी जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ है आपको उसी टॉपिक पे और भी वीडियो बनाने होंगे। अगर आप उसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हो तो आपका नेक्स्ट वीडियो भी वायरल होगा। इसी ट्रिक का यूज़ करके दोस्तों मैंने अपने चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा किया है। और अगर आप एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर हो और आपके चैनल में ज़्यादा वीडियो नहीं है तो आपको कम से कम 25 से 30 वीडियो अपलोड करने होंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो 25 से 30 वीडियो होगा वो सेम टाइप का नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का होना चाहिए। उसके बाद आपका जो वीडियो वायरल होता है यानी कि जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आता है आपको उसी टॉपिक पे और भी वीडियो बनाने होंगे। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपका वीडियो वायरल ही हो जाए, अगर आपका वीडियो वायरल नहीं होता है तो आपके किसी न किसी वीडियो में 1000, 2000, 5000 या फिर 10000 व्यू तो आ ही जाएंगे। तो आपको उस टॉपिक को पकड़ना होगा और उसी टॉपिक पे और वीडियो बनाना होगा और उसी से रिलेटेड वीडियो बनाना होगा। इससे आपका पहला वीडियो में जितना व्यूज होगा उससे ज़्यादा व्यूज दूसरे में आएंगे, और ऐसे करके आप अपने चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। मैं अपने सभी चैनल में इसी ट्रिक को फॉलो करता हूँ, तो आप इस ट्रिक को ट्राई करके देख सकते हो। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।